ये इसमें गरमाइश है ना, ले जाओ कर लो, ले जाओ गरमाइश क्यों, डर ठंड है रात की, ठंड है रात, ठंड है रखनी पड़ गई। और जितने छोटी 12 किलो को 7 हो जाए सर आप, रजनेश तो आनी ऊपर लेने। ये सर एसएस रेलवे स्टेशन ने एक मेमो दी थी, अब एक छोटी 3200 रात का या एक दिन का, तो ये रेलवे स्टेशन तरावड़ी यार्ड में छोड़ गया कोई अज्ञात आदमी। तो उसी समय हम मौका पर गए तो हमने देखा कि विद्वान एक किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक छोटे शिशु को एक या दो दिन का हुआ तो वहाँ यार्ड में लाइनों के साथ खाली जगह में छोड़ करके चले गए, तो जिसकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये सर्दी में जो है ना कम कपी थी इसको, और जो ये साड़ी का टुकड़ा है उसमें लिपटी हुई थी। यहाँ भी जो है ना मुकदमा दर्ज होगा और उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसका मेडिकल के लिए हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए हैं। रेलवे लाइनों के बीच में एकदम की भी नेत्र से मिली ना, साड़ी से मिली है बका। ठंडी तो खुली हवा हमारे खराब हो रहा है, कुछ नहीं खुल रहा है। ये न्यूबॉर्न मेडिकल कंडीशन वाइज देखा जाए तो वैसे स्टेबल है, इसका वजन थोड़ा कम है क्योंकि ठंडा मौसम है, इसलिए इसको वार्मिंग की ज़रूरत है। और अननोन बेबी है, इसकी मदर नहीं है, तो फीडिंग पर्पज़ से भी इसे एडमिट करेंगे हम, जिससे इसका ग्लूकोज लेवल कम ना हो। ग्लूकोज चलाना होगा, एक दो दिन गर्म मशीन में रखना होगा और स्टेबल करने के बाद बेबी रेसिटी एग्जामिन करने पे तो रिसेंटली बॉर्न लग रहा है, जैसे
कल या परसों में ही न्यूबॉर्न पैदा हुआ है, एक दो दिन का ही पैदा हुआ है। बच्चा स्वस्थ है? बच्चा वैसे स्वस्थ है, पर चूंकि कम वेट का है इसलिए इसकी फीडिंग के लिए और इसकी गर्म करने की सख्त जरूरत है इसे। मेरा नाम डॉक्टर निधि शर्मा है,